तो साथ हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन यानी किसी क्वेश्चन का आपने डेरिवेटिव लेना हो तो किस तरह से लिया जा सकता है अब याद रहे यहाँ पे कि हम लिखते हैं जी कि लट से एक फंक्शन है अगर आपके पास एक फंक्शन है यू नो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अवर जी ऑफ एक्स वेर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वेर जी ऑफ एक्स वेर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो के इक्वल नहीं है ठीक है

लोअर फंक्शन का स्क्वेयर ठीक है लोअर फंक्शन का यानी जी ऑफ एक्स काटिव फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो न्यूमरेटर में जो है लोअर फंक्शन एज इट इज जी ऑफ एक्स एज इट इज नेगेटिव साइन फिर डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन यानी जो फंक्शन है न्यूमरेटर के अंदर यानी जी जी प्राइम एक्स इसका डेरिवेटिव और अपर फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई ठीक है यानी अब दोबारा से समझें दोबारा फंक्शन का फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है इसका आप लेंगे स्क्वेयर ठीक है डिनोमिटर में ही आएगा फिर में क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन टाइम्स टाइम्स मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ठीक है प्राइम एक्स और जो टाइम्स डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ ठीक है यानी अगर अगर हम एक रियल टाइम क्वेश्चन ले लें अगर हम यहाँ रियल टाइम क्वेश्चन ले लें चले जी आ, अब याद रहे कि दिस इस dy dx, दिस इज इज क्वेश्चन फंक्शन के अंदर ठीक है लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ क्वेश्चन है लेट्स से वाई इज इक्वल टू एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं टू एक्स क्यूब प्लस फोर फोर अवर फाइव एक्स थ्री फाइव एक्स टू चले फाइव एक्स प्लस वन फाइव एक्स प्लस थ्री चले ये कर लें कोई भी फंक्शन अभी अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ quotient, में है दिस फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा इसका डेरिवेटिव लेने का ये जो फॉर्मूला है जो हमने आपको बता दिया है आप बिल्कुल इस तरह से ही इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विदेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बल्कि हम आप यहां पे ही लिख लें ठीक है हम जस्ट टू सेव टाइम एंड स्पेस आप ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप में करेंगे लेकिन यहां पे हम टाइम और स्पेस सेव करने के बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको भी आप कर, कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स y with respect to x? Because y is the function of x. तो अब x में small change ले के आएंगे delta x, वो change ले के आएगा delta y के अंदर. So फिर आप delta y by delta x by definition आप इसमें general form of slope find out कर लेंगे इस function की, ठीक है derivative इसका find out कर लेंगे. अब by formula जो हमने यहाँ पे explain यहाँ पे लिख रखा है, वो क्या है lower function का square, यानी अगर I mean denominator में जो function है, उसका square यानी 5x plus 3 square, ठीक है? उसके बाद डेरेवेटिव ऑफ न्यूमरेटर में जो फंक्शन है ठीक है से आपके पास आ जाएगा डरेवेटिव ऑफ डेवेटिव ऑफ टू एक्स क्यू प्लस थ्री सॉरी टू एक्स क्यू प्लस फोर टाइम्स डी ऑफ एक्स एज इट इज यानी फाइव एक्स प्लस थ्री एज इट इज ठीक है उसके बाद नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन डरेवेटिव ऑफ जी ऑफ़ एक्स जो कि है फाइव एक्स प्लस थ्री फाइव एक्स प्लस जो एफ एक्समीटर ठीक है नहीं, जो नहीं में हैं, वो इस, तो बन जाएगा अब यू नो एफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सम हो तो हम दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका मतलब डी बाई डी एफ एक्स आई मीन डी बाई डी एक्स टू एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी ठीक है इसको आप ब्रैकेट यहाँ पे इंसर्ट कर दें और फिर ये फंक्शन जो फाइव एक्स प्लस थ्री जो टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज आ गया ठीक है नेगेटिव यानी माइनस उसके बाद अगर आप इसको आप ब्रैकेट में ओपन करें ठीक है दोनों का अलग अलग डी बाई डी एक्स फाइव एक्स प्लस थ्री सॉरी प्लस डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड टाइम्स एंड टाइम्स टू एक्स क्यूब प्लस फोर एज इट इज ठीक है उसके बाद डिवाइडेड बाय वो जो लोअर में फाइव एक्स प्लस वॉट इज नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या होगा हम बेसिकली क्या फाइन कर रहे हैं डी वाई बायस डी वाई बायस है डी वाई बाय अब याद रहे कि डी एक्स इज नॉट अ डी नोमिनेटर यहाँ पे डी नोमिनेटर नहीं है ये बेसिकली हम सिंपली जो सिंपलीय डी एक ऑपरेशन है जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ठीक है अब यहाँ पे देखें तो इसका हमने कोफेशन का रूल स्टडी किया था कॉफेशन जो है वो पहले आ जाएगा मीन टू पहले आ जाएगा और सिर्फ एक्स का डिफरेंस डिफ्रेंसियन लेंगे तो एक्स टू पावर एन इसकी डिफ्रेंसिएशन बाय पावर रूल क्या होती है एन एक्स पावर एन माइनस वन ठीक है इस रूल को अप्लाई करते हुए जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ठीक है, है? यह आ जाएगा

क्वार को बाइसेट करता हुआ आता है उसकी स्लोप होती है वन जिसके लिए टेन 45 डिग्री होता है ठीक है इट मीन का इसकी स्लोप होगी वन या इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सॉरी प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो ठीक है टाइम्स टू एक्स क्यूब प्लस फोर टू डिवाइडेड बाय फाइव एक्स का होल स्क्वेयर इसी तरह से अब अगर आप देखें तो

अब नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है आप इसको सिंप्लीफाई कर लें नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें ठीक है वो जो कि एक एक सिंपल वे है सो दिस विल बी डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन फंक्शन फंक्शन ये आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं प्रैक्टिकल हमने एग्जाम्पल देखी अभी हम देखेंगे कि इस फंक्शन को डिराइव कैसे किया जाता है इस फंक्शन को किस तरह से डिराइव किया गया यानी वाई क्वेश्चन फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से ही क्यों लिया जाता है इसका प्रूफ हम देखेंगे और वो हम देखते हैं जी इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर